Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of chemical bonding, that is partial ionic character of covalent bond. Students, previous video में मैंने आपको बताया था कि covalent bond किसे कहते हैं. जैसे कि दो हाइड्रोजन एटम है और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया. ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना स्टूडेंट्स, दो सिमिलर एटम से बना, इसलिए इस पे कोई भी आयनिक करैक्टर नहीं है. लेकिन अगर यही दो अलग अलग एटम से मिलकर के बना होता जिसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसीलिए इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आ जाता, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता. तो अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर प्रोड्यूस हो गया, यानी कि हम इसको कहेंगे पार्शियल आयनिक करैक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है हमें ये देखना है कि जितनी ज्यादा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, जैसे कि एच और सी एल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उसमें आयनिक करैक्टर उतना ही ज्यादा आएगा. इसके लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला है कि अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में जो डिफरेंस है वो 1.9 के बराबर है तो उसमें 50% आयनिक करैक्टर होगा और 50% कोवेलेंट करैक्टर होगा. लेकिन अगर उसके अंदर ये डिफरेंस जो है ये 1.9 से ज्यादा आ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसमें आयनिक करैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा. और अगर ये डिफरेंस उनका 1.9 से कम होगा तो वो बॉन्ड कोवेलेंट कहलाएगा. कहने का मतलब ये है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 1.9 के इक्वल है तो उसमें 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट बॉन्ड होंगे. लेकिन अगर उसमें डिफरेंस 1.9 से ज्यादा है तो वो बॉन्ड आयनिक माना जाएगा और अगर उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 1.9 से कम है तो वो बॉन्ड कोवेलेंट माना जाएगा. अब स्टूडेंट्स, हम मेन टॉपिक पर आते हैं, वो है डाइपोल मोमेंट. स्टूडेंट्स, डाइपोल मोमेंट आपके लिए नया वर्ड है लेकिन मैं आपको सिंपलीफाई करके बताती हूँ कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है तो वो कितना पोलर है, या कोई मॉलिक्यूल पोलर है भी या नहीं, इसको हम जिस टर्म से मेजर करते हैं वो है डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या है इसके लिए मैं आपको फिर वही डेफिनेशन, वही एग्जांपल देके बता रही हूँ. जैसे मैंने ले लिया HCl, तो इसके अंदर H के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव और HCl के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव. Cl पे जितना नेगेटिव है H पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, पहली बात. दूसरी बात, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा d और इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो कहलाए, इनके ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से. डाइपोल मोमेंट को स्टूडेंट्स हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं और वो है म्यू, और म्यू इज इक्वल टू होता है Q into D के बराबर. जनरली Q जो है वो 10 टू द पावर माइनस 10 के रेंज में होता है और जो D डिस्टेंस है वो 10 टू द पावर माइनस 8 की रेंज में होता है, इसीलिए म्यू जो है वो 10 टू द पावर माइनस 10 into 10 टू द पावर माइनस 8 ESU into centimeter, यानी 10 to the power minus 18 ESU into centimeter होता है, that is equal to 1 debye. और 1 debye को हम generally D से denote करते हैं. तो students, क्या समझ में आया आपको कि dipole moment को हम represent किससे करेंगे, mu से. ये किसके equal होगा, या तो positive charge या negative charge multiplied with distance between them. And the unit will be either ESU into centimeter or debye, and 1 debye is equal to 10 to the power minus 18 ESU into centimeter. Students, dipole moment की further details से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि कोई भी molecule polar है या नहीं ये हमें कैसे पता लगेगा. ये बहुत important है chemistry के point of view से, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो. स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है पोलर एंड नॉन पोलर, ये आपकी हर जगह काम आती है. तो हमें मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखते ही पता लग जाना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है. जितनी भी नोबल गैसेस आती हैं स्टूडेंट्स वो नॉन पोलर मानी जाती हैं, जितनी भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, जितने भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिकल एटम्स जैसे N2O2 F2I2 ये भी नॉन पोलर माने जाते हैं, जितने भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डिपेंड करता है कि वो अगर डिफरेंट एटम्स से बने हैं तो वो
नॉन पोलर होंगे ही नहीं, लेकिन अगर वो आइडेंटिकल हैं और उनके अंदर लोन पेयर जीरो है तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने सी एच फोर एस ओ थ्री और सी सी एल फोर लिया. स्टूडेंट इसी सब में सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम है. तो सराउंडिंग एटम सेम है तो हम यहाँ पर लोन पेयर्स निकालेंगे. अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, मैं ये टॉपिक आपको बाद में क्यों करा रही हूँ. मैंने पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन कराया, वेस्पर थ्योरी कराया, और अब मैं आपको डायपोल मूवमेंट समझा रही हूँ. क्योंकि डायपोल मूवमेंट को स्टडी करने से पहले हमें ज्योमेट्री का पता होना चाहिए, और ज्योमेट्री का पता हम किससे लगाते हैं, वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन से लगाते हैं. और जब हम शेप निकालते हैं, ज्योमेट्री निकालते हैं, तो हमें लोन पेयर्स को भी निकालना होता है. तो जब हमें वो सब आ जाएगा तभी तो हम डायपोल मूवमेंट कर पाएंगे. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सब में सराउंडिंग एटम तो सेम है, अब हमें ये देखना है कि लोन पेयर जीरो है या नहीं. अगर तो लोन पेयर जीरो है तो ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर हो जाएंगे, और अगर जीरो नहीं है तो ये मॉलिक्यूल्स पोलर हो जाएंगे. तो मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था. तो जो मीथेन है उसमें लोन पेयर जीरो आ रहा है, SO3 है इसमें लोन पेयर जीरो आ रहा है. तो बताओ ये दोनों ही केसेस जो हैं, और CCl4 का केस बिल्कुल CH4 की तरह होगा, यानी यहाँ पे भी लोन पेयर जीरो है, यानी ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, नॉन पोलर्स के. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट्स पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल विद डिफरेंट एटम्स, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग होगी. अभी भी मैंने आपको HCl के बारे में डिस्कस किया. अगर तो वो सिमिलर एटम से बने हुए हैं तो स्टूडेंट्स हमें वही लोन पेयर निकालने, और अगर लोन पेयर जीरो नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने ये तीन देखने हैं स्टूडेंट्स. इन दोनों को तो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये कैसे होंगे, पोलर होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि इसमें ये सेंट्रल एलिमेंट है और ये दोनों कौन है, सराउंडिंग एटम, और दोनों सराउंडिंग एटम डिफरेंट है. इस केस में अगर हम देखें तो ये सेंट्रल एलिमेंट है और ये दोनों कैसे हैं, आपके डिफरेंट एटम्स हैं, तो भाई ये भी पोलर हो गया. अब SO2 के केस में स्टूडेंट्स क्या है, ये सेंट्रल एलिमेंट है और इसके दो सराउंडिंग एटम है, दोनों सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम है. तो इस केस में हमें लोन पेयर निकालना पड़ेगा, और जब हम इसका लोन पेयर निकालते हैं तो वो वन आता है. तो लोन पेयर आ गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल, और इसका मतलब कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता लगा कि लोन पेयर का कितना बड़ा रोल है ये पता करने के लिए कि कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं स्टूडेंट्स डायपोल मूवमेंट के बारे में, कुछ उसकी कैरेक्टर्स को समझने के लिए कि डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्टूडेंट्स डायपोल मूवमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है. अच्छा, डायपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट हम करते हैं एक एरो से, इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इस एरो का डायरेक्शन जो है वो प्लस से कहां होगा, माइनस की तरफ होगा. ठीक, जैसे सपोज करो मैं HCl का एग्जांपल लेती हूं, तो ये हो गया हमारा डेल प्लस और ये हो गया हमारा डेल माइनस. ठीक, अब इसमें आप देखिए कि इसको मैं डायपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट करूंगी ऐसे, क्योंकि H क्या है, प्लस, और Cl क्या है, माइनस है. ठीक, अब स्टूडेंट्स पहले हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल और उसके स्ट्रक्चर और डायपोल मोमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर पॉलीएटॉमिक को करेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें क्या देख रहे हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल और उसका स्ट्रक्चर, जैसे HCl का. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका म्यू इज इक्वल टू 1.03 डी बाई है स्टूडेंट्स. पोलैरिटी को मेजर किया जाता है डायपोल मोमेंट के टर्म्स में, इसको मेजर किया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि म्यू की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल उतना ही मॉलिक्यूल की पोलैरिटी भी होगी. ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट यानी म्यू इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा. अगर म्यू की वैल्यू जीरो है तो ऐसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर हो जाएगा. वो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में स्टूडेंट्स एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड मिलेंगे हमको.
तो जो मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा वो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स के सम के इक्वलेंट होगा, वेक्टर सम के इक्वल होगा। इसका सम होगा स्टूडेंट्स वेक्टर सम के इक्वल आएगा। टोटल मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल मोमेंट है, मॉलिक्यूल का जो टोटल डायपोल मोमेंट है वो उसमें जितने भी पोलर बॉन्ड्स होंगे उन सब पोलर बॉन्ड्स के जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स हैं उनके वेक्टर सम के बराबर आएगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स। ठीक है, जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। डायपोल मोमेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ केसेस लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने इन तीनों का लिया। स्टूडेंट्स इन तीनों में खास बात क्या है कि ये सब sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। मैंने यहाँ पे आपको इनके बारे में बता रही हूँ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें कितना आ गया, 2 आ गया स्टूडेंट्स। CO2 के केस में तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। अच्छा, लोन पेयर 0 आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी शेप कैसी होगी? लीनियर। और अगर लोन पेयर 0 आ रहा है स्टूडेंट्स तो ऐसी स्थिति में ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। और सिमेट्रिकल अगर ये हो जाता है मॉलिक्यूल हमारा, अगर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसके म्यू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, जो केस स्टूडेंट CO2 का है वही केस किसका होगा? CH2 का होगा। और वही केस किसका होगा? BeF2 का होगा। यानी इन सभी के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इन सब में लोन पेयर 0 है, इन सब की शेप कैसी है? जो इनकी शेप है वो लीनियर है। तो ऐसी स्थिति में इन सब का म्यू क्या हो जाएगा? 0। आप ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो कार्बन है वो तो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिव है। तो बताओ डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखो डायपोल मोमेंट का अगर हम वेक्टर सम करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए। इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है। मैग्नीट्यूड तो हो गया इक्वल और डायरेक्शन हो गया अपोजिट। तो बताओ इसका डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा? 0। सेम यहाँ पर हो रहा है, देखो इसका डायपोल मोमेंट इसमें और इसका डायपोल मोमेंट जस्ट अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो म्यू 0 हो जाएगा, वेक्टर सम के बराबर होगा। यहाँ भी वेक्टर सम 0 आएगा क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इनकी म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर लोअर ग्रुप है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा और अगर हायर ग्रुप का है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगला केस लेते हैं स्टूडेंट्स इन तीनों का। स्टूडेंट्स इन तीनों में से जो हमारा CCl4 है और CH4 है, इनमें अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे तो वो 4 आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, लोन पेयर 0 आएगा, यानी मॉलिक्यूल अगेन हमारा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल होते ही म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सेम BF3 के केस में स्टूडेंट्स यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लोन क्या आ गए? 0। सेम केस हो जाएगा, मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल। और इसकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे अगला केस लेते हैं जिसके अंदर हम लेते हैं, मैंने देखो यहाँ सब में स्टूडेंट्स यही समझाने की कोशिश करी है। देखो एक बार आप डायरेक्शन समझ लो, बोरॉन कौन से ग्रुप का है? 13 ग्रुप का। और फ्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17 का। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बताओ ये बोरॉन पे +3 डेल्टा आ जाएंगे और इन पे डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस आ जाएगा चार्ज। मैंने कहा जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो टोटल नेगेटिव कितना हो गया? -3 डेल्टा। तो टोटल पॉजिटिव कितना हो गया? +3 डेल्टा हो गया। तो ये इसका क्या आ गया? डायपोल मोमेंट्स आ गए। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम हाइड्रो मीथेन को देखते हैं तो कार्बन 14 ग्रुप का है और हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप का है, तो हाइड्रोजन प्लस की तरह बिहेव करेगा, कार्बन माइनस की तरह बिहेव करेगा। तो बताओ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ होगा? हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी नेट डायपोल मोमेंट आपका 0 आ जाएगा। CCl4 के केस में स्टूडेंट्स क्या है कि कार्बन तो 14 ग्रुप का है, Cl 17 ग्रुप का है, तो Cl नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, कार्बन पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। तो बताओ डायरेक्शन क्या होगा? C से Cl की तरफ होगा।
ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट्स हमारे सिमेट्रिकल हैं, इसलिए इनकी म्यू की वैल्यू जीरो है। जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट्स हैं वो इन चारों जो डाइपोल मोमेंट्स होंगे उनका वेक्टर सम होगा, और वो वेक्टर सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स डाइपोल मोमेंट्स ऑफ अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स वो होंगे स्टूडेंट्स जिसमें अगर सराउंडिंग एटम सेम है तो हम उनमें लोन पेयर जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर उनके अंदर लोन पेयर जो है वो जीरो नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल कैसे कहलाएंगे, पोलर कहलाएंगे। वन बाय वन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हम तीन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। अमोनिया को, एक तो अमोनिया है, एक जो है ये हमारा NF3 है, और एक वाटर है। इसमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट वाटर का होगा, फिर अमोनिया का होगा, फिर NF3 का होगा। तो हमें इसको डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें ज्योमेट्री पता करनी है, जो हम पहले ही पता कर चुके हैं कि वाटर के पास दो लोन पेयर होते हैं और ये इसकी शेप जो होती है वो वी होती है। NH3 और NF3 दोनों का केस सेम होगा, दोनों sp3 हाइब्रिड होंगे, दोनों की ज्योमेट्री पिरामिडल होगी, दोनों के पास एक एक लोन पेयर होगा और शेप इसकी पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनको वन बाय वन। पहला केस लेते हैं स्टूडेंट्स हम, तो पहले केस में हम देखते हैं कि जो वाटर का डाइपोल मूवमेंट है वो अमोनिया के डाइपोल मूवमेंट से ज्यादा आता है। क्यों आता है भाई, क्योंकि देखो यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, H से O की तरफ डायरेक्शन है, H से O की तरफ डायरेक्शन है। अब देखो स्टूडेंट्स, लोन पेयर तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो ओ से डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ जाएगा। अब आप देखो तो ओवरऑल सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक तरह से चार डायपोल मूवमेंट हो जाएंगे। एक डायपोल मूवमेंट किसके कारण होगा, ओ एच के कारण, ये रहा ओ और ये रहा एच, दो तो ये हो गए स्टूडेंट्स, ये रहा ओ और ये रहा एच, और दो ही स्टूडेंट इसके पास में लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन और लोन पेयर के कारण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण टोटल कितने हो गए इसमें, चार, और चारों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो बताओ रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट जिसको मैं RDM से शो कर रही हूँ इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट्स। तो ये हमारा कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, म्यू RDM वाटर इज इक्वल टू 2μOH प्लस 2μO लोन पेयर। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं, दोनों को प्लस कर दिया है हमने इसके अंदर, तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट वाटर का ज्यादा आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें भी जो तीन तो आपके ये NH वाले हो गए, ये NH वाला हो गए तीन तो आपके, ठीक है, ये हो गए NH वाले तीन आपके, और एक लोन पेयर हो गया। तो बताओ एच पॉजिटिव होगा और एन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, तो बताओ डायरेक्शन ये वाला हो गया आपका, और एन से लोन पेयर की तरफ डायरेक्शन हो गया, सभी डायरेक्शन फिर अपवर्ड हो गए। तो ऐसी स्थिति में अगेन यहाँ पर एडिशन हो जाएगा, ये 3μ हो जाएंगे, यानी डायपोल मूवमेंट किसके कारण, NH के कारण हो जाएंगे, ये रहे NH हमारे, और 1μ इसमें किसके कारण होगा, एन और लोन पेयर के कारण होगा। एक बात सुनिए स्टूडेंट्स कि जो लोन पेयर के कारण डायपोल मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अब देखो स्टूडेंट्स, अमोनिया में कितने लोन पेयर हैं, 1, जबकि वाटर के अंदर कितना लोन पेयर थे, 2, तो बताओ इसमें डायपोल मूवमेंट वाटर वाले केस में ज्यादा हो जाएगा और अमोनिया के केस में कम हो जाएगा, यानी वाटर का डायपोल मूवमेंट जो है वो अमोनिया से ज्यादा होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, एक हम अगला केस डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम अमोनिया और NF3 दोनों के डायपोल मूवमेंट को डिस्कस करते हैं तो इसमें से अमोनिया का डायपोल मूवमेंट जो है वो ज्यादा आता है। अमोनिया का डायपोल देखने में ऐसा लगता है कि NF3 का ज्यादा आएगा क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया कि डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ हमें वेक्टर सम लेना होता है, और वेक्टर सम जब हम लेते हैं तो अमोनिया का ज्यादा आता है और NF3 का कम आता है। कैसे आता है वो आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर H पॉजिटिव है, N नेगेटिव है, और सभी डायपोल मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि NF3 में आप देखो स्टूडेंट, N और F में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, F की, क्योंकि N कौन से ग्रुप से है, 15 से, और F कौन से ग्रुप से है, 17 से, तो F नेगेटिव बनेगा, N पॉजिटिव बनेगा, तो डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं, और लोन पेयर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नेगेटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये अपवर्ड में आ गया। तो देखो 3 डायपोल मूवमेंट्स का डायरेक्शन जो है वो लोन पेयर के डायरेक्शन से क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो कुछ डायपोल मूवमेंट यहाँ जब वेक्टर सम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इसीलिए इसकी म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी।
ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3μNH और 1μN लोन पेयर दोनों ऐड हुए हैं, जबकि यहाँ पर 1μN लोन पेयर जो है वो 3μNF से माइनस हुए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि डायपोल मोमेंट की क्या एप्लीकेशंस हैं। तो डायपोल मोमेंट की स्टूडेंट्स जो है वो काफी सारी एप्लीकेशंस हैं, उसमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन स्टूडेंट इसमें आती है वो आती है इसमें इन डिटरमाइनिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पोलैरिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जिस मॉलिक्यूल का म्यू ज्यादा होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर माना जाएगा। और अगर किसी मॉलिक्यूल में जो म्यू की वैल्यू है वो जीरो है तो वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर माना जाएगा। अगर हम इन तीन चारों को डिस्कस करना है तो इसमें कौन ज्यादा पोलर होगा, HF, क्योंकि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। दूसरा केस स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं इन डिटरमाइनिंग द सिमेट्री ऑफ एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखो स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी कि अगर म्यू की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, यानी उसमें लोन पेयर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हम ये लेते हैं इसके अंदर कि मॉलिक्यूल हमारा जो है उसमें म्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा, यानी उसमें लोन पेयर जीरो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ लोन पेयर्स होंगे, 1, 2, 3 जितने भी होंगे, लेकिन उसमें लोन पेयर जरूर होंगे। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, लेफ्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो सिस आइसोमर के लिए म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ट्रांस के लिए म्यू की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। स्टूडेंट, सिस और ट्रांस आपके लिए नया वर्ड है, तो पहले आप समझ लीजिए। जो डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और उन डबल बॉन्डेड कार्बन से में दोनों कार्बन से अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और अगर तो दो ग्रुप अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए वो सिमिलर हैं और सेम साइड में हैं, जैसे इस केस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। ठीक है, और अगर वो स्टूडेंट्स क्या है मॉलिक्यूल हमारा, डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसमें जो सिमिलर एटम है वो डायगोनली प्लेस्ड है, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे, और उसके लिए म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ म्यू की वैल्यू जीरो क्यों हुई, हम इसको समझ लेते हैं क्यों हुई। देखो स्टूडेंट्स, कार्बन और सीएल में से किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, सीएल की, तो बताओ डायरेक्शन ये होगा, और कार्बन और हाइड्रोजन में से किसकी ज्यादा है, सी की, तो एच से सी की तरफ होगा, यानी यहाँ तो सभी डायरेक्शन जो है वो एड अप हो जाएंगे, डायपोल मोमेंट जो है वो एक डायरेक्शन में है तो वो एड हो जाएंगे, और इसलिए डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये वाला केस देखते हैं स्टूडेंट्स, तो देखो ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ये दोनों डायपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गए, ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो गए, इसीलिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी अगर जीरो है तो वो मॉलिक्यूल ट्रांस होगा, और अगर वो जीरो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई मॉलिक्यूल ऑर्थो है, मेटा है, या पैरा पोजिशन पे आइसोमर्स हैं, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है स्टूडेंट्स, डिटेल में बाद में बताऊंगी। जैसे कि ये बेंजीन रिंग है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग, और इस पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं सीएल। अगर तो ये दोनों ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे, यानी पास पास हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। अगर ये एक छोड़कर एक है तो इसको हम बोलते हैं मेटा, जैसे इस केस में हो गया, और अगर ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इनको हम बोलते हैं पैरा। तो स्टूडेंट्स देखो, पैरा का तो म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बताओ क्यों हो जाएगा इसका जीरो, इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस होगा, और यहाँ पर भी डायरेक्शन कहाँ होगा, प्लस से माइनस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन। अब बात हो गई स्टूडेंट्स ऑर्थो की और मेटा की, तो ऑर्थो में तो देखो ये दोनों सीएल पास पास हैं, अच्छा डायरेक्शन इसका ऊपर की तरफ है, इसका भी ऊपर की तरफ है, लेकिन कैंसिलेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा ही हो पाएगा। ठीक है, और मेटा के अंदर जो है ये एंगल ज्यादा का आ गया, यहाँ एंगल कितने का आ रहा है, 60 डिग्री का, यहाँ एंगल कितने का आ गया, 120 का, यहाँ एंगल कितने का आ गया, 180 डिग्री का, तो यहाँ तो डायपोल मोमेंट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो गए, इसलिए यहाँ तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, जीरो।
लेकिन इस केस के अंदर वो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी हद तक कैंसिल कर देंगे, और इस केस के अंदर भी वो एग्जैक्टली कैंसिल नहीं कर पाएंगे लेकिन थोड़ा कैंसिल कर पाएंगे। तो बताओ म्यू की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? ऑर्थो की ज्यादा होगी किससे? मेटा से। और मेटा की किससे ज्यादा होगी? पैरा से। पैरा की तो सबसे कम होगी स्टूडेंट्स, सबसे कम किसकी होगी इसमें? पैरा की। उससे ज्यादा किसकी होगी? मेटा की। और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? ऑर्थो की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नया टॉपिक जो था डायपोल मोमेंट वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे हैं बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो आपको बहुत डिटेल में करने हैं तभी आपको ये बात समझ में आएगी। और जो ऑर्गेनिक है उसमें तो इसकी बहुत डिटेल में पूछा जाता है डायपोल मोमेंट वगैरह, और मैंने आपको कहा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इनके बारे में डिस्कशन होता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।